भाई दोबारा से आ गए हम लोग छठ पूजा। तो हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज है छठ पूजा, तो आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। आज शाम का अर्घ है और देखो अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर पे। ये हमारा नया वाला घर है, यहाँ से हम लोग छठ पूजा करते हैं 2 साल से। यहाँ पर कोई रहता नहीं है, बस छठ पूजा जब होता है तो यहीं से आगे करते हैं क्योंकि बगल में छठ घाट है। तो अभी मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ छठ घाट पर, पूरा दिखाता हूँ कि कैसे कैसे होता है। और मेरे घर भी होता है लेकिन सारे लोग जा चुके हैं छठ घाट पर, पहुँच चुके हैं। और इधर देखो मेरे 2 भाई भी हैं। हेलो, इधर आशीष भाई हैं और इधर विक्की हैं। ठीक है, तो हम तीनों चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये देखो मेरा कुछ इस तरह का कुटिया है, नया वाला जो बना है। ये देखो, इधर देखो, इधर चेयर वगैरह लग रही हैं, इधर अपना साउंड बॉक्स रखा है थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट के लिए, और बाकी कुछ नहीं है। झालर वालर थोड़ा सा लगाए हैं, लाइट वगैरह। इधर तिरपाल लगा दिए हैं और देखो इधर एक कमरा अंदर है, ये है। ये अभी सिर्फ हम लोगों ने नया बनवाया अपने डेयरी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ना ज़्यादा गाय हैं तो यहाँ पे हम लोग गाय रखेंगे। यहाँ पे ज़मीन खाली थी तो हम लोगों ने ख़रीद के यहाँ पे बनवा दिया कि थोड़ा सा यूज़ में आ जाएगा। और अपना इधर चरन वरन है खाने के लिए गाय भैंस को। तो फिलहाल अभी चलते हैं हम लोग छठ घाट पे, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहना लास्ट तक, ठीक है, और आपको पूरा दिखाते हैं कैसे क्या क्या होता है हमारे यहाँ का सोनभद्र का। तो भाई अभी हम लोग निकल चुके हैं देखो अपने घर से, और ये हमारा कुछ इस तरह का रास्ता है जाने के लिए छठ घाट पर। इधर पीछे भी देख लो, सारे लोग जा चुके हैं। इधर देखो ट्रेन जा रही है, जूम करके दिखाऊं, ये देखो। चलो मिलते हैं छठ घाट पे आप लोगों से। तो भाई एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, हम तीनों का गेटअप सेम रहने वाला था, कुर्ता पैजामा, लेकिन ये भाई ने हम लोग को धोखा दिया है। देख रहे हो, शर्ट और जीन्स, वाइट पैंट सही है लेकिन ऊपर का पूरा हम लोग को देखो अलग ही पहने हैं। और सामने का कुछ इस तरह का अपना, यहाँ से इधर जाएंगे हम लोग, इधर बाहर जाने का रास्ता है। तो भाई फाइनली पहुँच गए अपने छठ पूजा के घाट पे। सामने देखो कुछ लोग आ रहे हैं, इधर पूरा पार्किंग वाली गाड़ियाँ लगा रखे हैं, देख रहे हो। और आगे है अभी नदी, देखो इधर देखो। अगर यहाँ पर हमारे भाई पंकज मिश्रा जी अगर आए हो, देख सकते हो ये हमारे कौवा नाला का है देखो घाट, और काफी ज्यादा से पूरा क्राउड भरा है भाई। क्या बे, ये अपना ग्राउंड है। और आशीष, अरे तुम फोन? ये फोन में बिजी है, एक बार इधर देख लो इसका स्नैपचैट। देख सकते कितना प्यारा। चलो अभी भीड़ लगा है, पुलिया पे कृपया फूल से हट जाए। समिति का आप लोग सहयोग करें, समिति आपका भारी रहेगा, बीच में भीड़ ना लगाए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ की व्यवस्था को बनाए रखेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे। समिति आपका। तो भाई अभी यार हमें वापस आना पड़ गया दोबारा से, क्योंकि ये लड़का ये पानी में कूद गया था नहाने के लिए, और नहा नहा के इतना कांप रहा था। देखो इधर कपड़े उपड़े फेंक रहा है, देख रहे हो। इसको लेके आना पड़ गया मेरे को कपड़े चेंज कराने के लिए। भाई निकल नहीं रहा था, 1 घंटे तक उसी में नहाने लगा ये। अब अंदर जाए कौन निकालने, सब वहाँ पूजा के लिए खड़े हैं। तो फिर मम्मी निकाल के भेजिए इनका कपड़ा उपड़ा चेंज कराने के लिए, और फिर से हम जाएंगे दोबारा से। और अभी शाम हो गया है थोड़ा बहुत, तो अभी चलते हैं दोबारा से। और हेलो, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। तो भाई फाइनली कपड़ा वगैरह उसका चेंज करा दिए, और ये देखो हमारे भाई भी आ गए हैं। भाई ये हमारा एक जूनियर थे ना भाई? यस भाई। और देख लो, दया नाम है इनका, दया भाई। हम लोग साथ में पढ़े हैं GIC में, हम दोनों सरकारी स्कूल वाले, मेरे बहुत फेवरेट, बहुत बेस्ट फ्रेंड है मेरे भाई। हम लोग बहुत पहले से पढ़े हैं साथ में और रहते भी, छोटे से साथ में रहे। ये है कि ये अब लखनऊ शिफ्ट हो गए तो हम लोग मतलब मिल नहीं पाते, वो अलग बात है, अलग बात है। लेकिन अभी भी हम लोग दिल से बहुत करीब है, बहुत करीब है। ये देखो, ए इधर आओ, अब लोअर और टी शर्ट पे आ गया। चलो अभी फिर से इसको पानी में कुदाते हैं भाई, परेशान कर दिया था यार। भाई दोबारा से आ गए हम लोग छठ पूजा में, जैसे उसको कपड़े वपड़े चेंज करा के। और ये देखो नाइट का सीन, इधर देखो लाइट वगैरह कितनी अच्छी लग रहा है पूरा। इधर ब्रिज भी है सामने, और अच्छा लग रहा है भाई। यार ये लड़का नहीं सुधरने वाला। हाँ भाई, खराब कर दिया भाई, परेशान कर दिया एकदम, परेशान कर दिया। आओ चलते अंदर। जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो The next day.
हे गाइस गुड मॉर्निंग, आज है दूसरा दिन और आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। आज सुबह वाला अर्घ है, कल शाम वाला दिए थे आप लोगों ने देखा होगा, आज दूसरा पार्ट है। तो भाई फाइनली देखो हम लोग का ये अपना KTM महाराज आ चुके हैं और अब हम लोग जाने वाले। देखो मेन हाईवे पे हमारा घर है, इधर देखो ना गाड़ियाँ जा रही हैं, ये देख रहे हो कैसा लग रहा है ब्रो। हम सब उठ गए थे पता है 3 बजे, फिर नहाए फिर रेडी हुए, लेकिन फिर भी अभी 3:50 हो गया है तो चलते हैं क्योंकि जाना है घाट पे और ठंडी लग रही है भाई बहुत ज़्यादा। तो भाई फाइनली आ गए अपने नए वाले घर पे और यहाँ देखो भाई ठंडी लग रही ज़्यादा, मज़ा आ रहा है। ये देखो आग जलाया हुआ है, इधर आशीष हैं फ़ोन चला रहे, धुआं ज़्यादा निकल रहा है और थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं छठ पूजा घाट के लिए, अभी तैयारी चल रही है अंदर और उसके बाद निकलते हैं। हाँ भाई रेडी, ये लोग फ़ोन में बिजी हैं। वो नहीं ठंडी लग रही भाई, सुबह सुबह नहाना पड़ा। सुबह सुबह कौन नहाता है यार। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं देखो छठ पूजा घाट के लिए और मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है और ये दोनों ऐसे ही घूम रहे हैं, देख रहे हो, देखो ये देख लो, ये देखो इधर लिए गन्ना, मैं लिया हूँ दौरा, पीछे मम्मी आ रही हैं ये, और अभी हम लोग जा रहे हैं छठ पूजा घाट पे, फिर मिलते हैं ठीक है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ छठ पूजा में जहाँ हो रहा है भाई, देख सकते हैं ये रहे केस। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे और पूजा पाठ एकदम अच्छे से पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये था हमारा छठ पूजा का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखना। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय बाय।